आज मैंने पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में जीवनवन पोषण रखा था, उनके स्टेटहुड के बारे में। वहाँ पे काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी दर्द है। हम इसको यहाँ उठाना चाहते थे मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। लगा है कि फोन टेप किए जा रहे हैं उनके और तमाम लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं और सेंट्रल एजेंसीज का भी। वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था, किसी और देश में हिंदुस्तान की का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। मेरा मेन लक्ष्य यहाँ पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूँ, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा और जो आपकी लड़ाई है, एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है तो इस वजह से इतना डिस्कशन नहीं हो रही है, हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ आपके, सरकार आपका क्या, आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं नहीं, मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। सरकार का आरोप है कि आज बैठक उन्होंने बुलाई थी, बैठक में विपक्ष के नेता नहीं गए। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खेरी के मामले पर डिस्कशन करने दे, सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देगी। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने देंगे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए, जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें,